मोदी सरकार ने जाति के आधार पर बांट दी सेना। अग्निवीर कैंडिडेट से पूछी जा रही है जाति। जिस सेना में आरक्षण लागू नहीं वहां जाति क्यों पूछ रही है सरकार। सियासत करने वाले कभी देश को धर्म के आधार पर बांटते रहते हैं तो कभी जाति के आधार पर। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना में भी अब जातीय बंटवारा किया जा रहा है। जिस सेना में आरक्षण भी लागू नहीं है उसी सेना में अब कैंडिडेट से उनकी जाति पूछी जा रही है। इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए फॉर्म भरने वाले अग्निवीर से अब उनकी जाति और धर्म के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। इस फॉर्म को देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट को अपनी जाति और धर्म का प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आर्मी में आरक्षण लागू ही नहीं है, इसलिए SC ST OBC या EWS को आर्मी की नौकरियों में आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जिन नौकरियों में आरक्षण मिलता ही नहीं सरकार उनकी जातियों के बारे में क्यों जानना चाहती है। जानकार आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं जब 25% अग्निवीरों को पक्का करने का टाइम आएगा तो जातियों के हिसाब से तो छटनी नहीं होगी। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने ट्विटर पर लिखा, अग्निवीर के लिए सेना जाति का सर्टिफिकेट मांग रही है। जब सेना में आरक्षण देना ही नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट का सरकार और सेना क्या करने वाली है। ये सच सामने आ रहा है कि सेना आजादी के बाद भी जाति धर्म के आधार पर ही चल रही है। भारतीय एक साथ खा ही नहीं सकते, सरकार सैनिकों की जाति क्यों जानना चाहती है। क्या अग्निवीर में SC ST OBC को 50% रिजर्वेशन देना है या सरकार इन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल 25% को परमानेंट करते समय करेगी। मकसद क्या है जब कोटा है ही नहीं। सेना और मोदी राजनाथ सिंह स्पष्टीकरण दें। अग्निवीर योजना में 4 साल बाद 25% सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा और सिर्फ 25% को ही पक्की नौकरी मिलेगी। ऐसे में लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इसमें जाति आधार पर बंटवारा हो सकता है और जाति के हिसाब से कैंडिडेट को फायदा मिल सकता है। दिलीप मंडल ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा, जाति जनगणना न कराने वाली सरकार सेना में भर्ती के लिए पहली बार जाति का सर्टिफिकेट मांग रही है। इसका इस्तेमाल 25% को छांटने में हो सकता है। अगर ये मकसद नहीं है तो सरकार बताए कि जब आर्मी भर्ती में आरक्षण नहीं है तो उसे कैंडिडेट की जाति क्यों जाननी है। मैट्रिमोनियल सर्विस है क्या। भारतीय इतिहास में पहली बार सेना में भर्ती जाति के आधार पर होगी। शर्मनाक नरेंद्र मोदी। भारत एक जाति प्रधान देश है और हम सब जानते हैं कि कैसे यहाँ समाज जातियों में बचा हुआ है। जाति के हिसाब से ही किसी का नुकसान किया जाता है तो किसी को जाति के हिसाब से फायदा भी पहुंचाया जाता है। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अग्निवीरों को पक्का करते हुए जाति के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या सभी भारतीय एक नहीं है और सेना में जाति धर्म से उठकर एक साथ नहीं रह सकते। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।